अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 अगस्त 2020 दिन है मंगल का। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही, लेकिन जीसीसी और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में आज जो है वो नए केसेस जो हैं वो 432 रिकॉर्ड किए गए, जबकि 15 लोगों की वफात हुई, जबकि टोटल केसेस जो हैं वो 2,80,461 हैं। रिकवरी जो है 2,49,397 है, जबकि डेथ जो टोटल हो चुकी हैं 5,999। सऊदी अरेबिया में जो है वो केसेस 2,80,093 केस हैं, रिकवरीज 2,42,055 है, जबकि 2,949 लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं और 2,017 लोग जो हैं सऊदी अरेबिया में वो आईसीयू के अंदर है। डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट 35,000 जो है वो टेस्ट भी किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। इसके बाद बहरीन में जो है 41,835 टोटल केस हैं, 39,007 जो हैं वो रिकवरीज हैं और 150 जो हैं वो डेथ हुई हैं। क्रिटिकल केसेस जो हैं यानी जो आईसीयू में हैं वो हैं 48। उसके अलावा ऑलमोस्ट 2,000 से 3,000 डेली टेस्ट किए जाते हैं। कतर में 1,11,322 टोटल केस हैं, 1,08,002 केसेस जो हैं वो लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 177 जो हैं डेथ हुई हैं। आईसीयू में पेशेंट की तादाद 75 है, जबकि डेली बेस पर ऑलमोस्ट 3,000 के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद कुवैत में टोटल जो केसेस हैं 68,299, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 59,739 है, वफात पाने वालों की तादाद 461 है और आईसीयू में जो पेशेंट है उनकी तादाद 126 है। और डेली बेस पर कुवैत में अब दोबारा से जो है वो ज्यादा टेस्ट करना शुरू कर दिए, ऑलमोस्ट 8,000 से 10,000 डेली बेस पे टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद यूएई में टोटल केसेस जो है 61,352 है, जबकि आज 189 केस जो है रिपोर्ट हुए। रिकवरी की तादाद 55 है और रिकवरी की टोटल तादाद जो है जो लोग मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं कुल तादाद उनकी 55,090 है, जबकि 351 लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं और आज अभी तक किसी के भी आईसीयू में होने की इत्तला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कोई बंदा जो है क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, कोई आईसीयू में नहीं है, जबकि डेली बेस पर 5,000 से 7,000 जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद ओमान में 30 जुलाई तक जो है वो केस कोरोना केसेस की तादाद 79,159 थी, जबकि सेहतयाब होने वाले की कुल तादाद 61,421 है और वफात पाने वाले की कुल तादाद जो है वो 401 है, जबकि आईसीयू में जो लोग हैं उनकी तादाद है 187 और जो डेली बेस पर जो टेस्ट किए जाते हैं ओमान में, पहले काफी ज्यादा टेस्ट किए जाते, अब जो है वो कम कर दिए गए हैं। होपफुली कल 5 अगस्त से जो है पता चलेगा कि कितने टेस्ट हैं वो डेली बेस पर किए जाते हैं और कितने जो है कोरोना के केसेस हैं, यानी कोरोना के बारे में जितनी भी डिटेल है कल से इशू की जाएगी इंशाल्लाह। खैर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।